और मेरे चटरों कैसे हुआ आप? हम लोग जब भी कोई भी केक की रेसिपी देखते हैं या फिर कोई और डेजर्ट की रेसिपी देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम उसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ होता है, मतलब मिठाई मेड या फिर मिल्क मेड यूज़ होता है। लेकिन जब हम लोग बाज़ार में ख़रीदने जाते हो तो उसको एक डब्बा 115 रुपये, 120 रुपये का आता है। तो मैं आज आपको घर में दूध से कंडेंस मिल्क कैसे बना सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क की। मैंने एक पैन गरम किया है, मैंने बड़ा सारा पैन लिया ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए और ताकि हम लोग का दूध भी ना उफने। मैंने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया है। आपने नोटिस किया होगा मैंने टेट्रा पैक यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये पैन या फिर कढ़ाई में दूध डालने के बाद हम लोग इसमें चीनी भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी इस्तेमाल करी है। जी हाँ दोस्तों, आधा लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी डल जाएगी। बस यही दो मेन इंग्रेडिएंट है, इसको कंटिन्यूसली चलाना है। और हाँ, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा भी डालेंगे। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो उबल रही है ना उसमें कैरेमल फ्लेवर नहीं आता है या फिर वो कैरेमलाइज नहीं होती है, वो करने के लिए बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है। मैं इसको लास्ट में डालूंगा। अगर आप ये अभी डाल दोगे तो हम लोग का कंडेंस्ड मिल्क ब्राउन कलर का बनेगा। तो स्टेप यही है कि दोस्तों आपको इसको रेगुलरली स्टर करना है, रेगुलरली चला के पकाना है जब तक कि ये उबल उबल कर आधा से भी कम हो जाए। जब इसमें फर्स्ट उबाल आ जाता है तो आप इसकी फ्लेम को थोड़ा कम कर सकते हो। फिर रेगुलरली चलाना है इसको आपको, और आपको नोटिस करना है कि कैसे बबल्स बन रहे हैं इसमें। शुरू में है ना, इसमें ऐसे टाइप के बबल्स बनेंगे, धीरे 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 इसके बबल्स छोटे होने लग जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान आपको क्या रखना है दोस्तों, कि ये जो कंडेंस मिल्क है बहुत ज़्यादा उफनता है, मतलब रेगुलर दूध से ये 3 से 4 गुना ज़्यादा उफनता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इसी रीज़न की वजह से मैंने इतना बड़ा पैन इस्तेमाल किया है। कंडेंस मिल्क घर में बनाने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अगर आप आधा लीटर दूध से बना रहे हो तो। ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए 20 मिनट तक पकाया है मीडियम फ्लेम पर। अभी इसका स्टेज कुछ ऐसा है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब मैं फटाफट गैस बंद कर दूंगा। गैस बंद करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा जो होता है, जिसको सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं, वो बहुत थोड़ा सा डालना है। वो डालने के बाद आपको इसको रेगुलरली चलाना है और इसको ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हो बेकिंग सोडा डालने के बाद कैसे हम लोग का कंडेंस मिल्क और हल्का होने लग गया है, बढ़िया लग रहा है दोस्तों। जब ये ठंडा हो जाता है तो आप इसको कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कंडेंस मिल्क का टेक्सचर थोड़ा ग्रेनी हो जाता है, मतलब दरदरा या फिर चीनी जमने जैसा हो जाता है, तो आप उसको मिक्सी में चला सकते हो। मेरा कंडेंस मिल्क बिल्कुल ठंडा होकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ग्लेज भी बहुत ही अच्छा आया, आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा बन गया है। आप इसको गाढ़ा पतला कर सकते हो, मतलब अगर आपका कंडेंस मिल्क गाढ़ा बन गया तो आप उसमें कच्चा दूध डाल सकते हो, ज़्यादा पतला बन गया तो उसको एक और बार पका सकते हो। ये कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है कोई भी रेसिपी में यूज़ करने के लिए, चाहे वो मिठाई हो या फिर केक हो। ये मैंने एक पैकेट का कंडेंस मिल्क खोला है, वीडियो में आप देख सकते हो इसका कलर और टेक्सचर, और ये हम लोग ने घर में बनाया है। घर में बनाया हुआ मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा बन गया, लेकिन आप इसमें दूध डालकर और पतला कर सकते हो, बाकी सब तो सेम ही है। तो दोस्तों आप सिर्फ दूध और चीनी और थोड़ा सा खाने के सोडे के साथ बना सकते हो घर में कंडेंस्ड मिल्क। आप अगर इसको अच्छी तरह बाज़ार वाली कंसिस्टेंसी में पकाओगे तो आपको ये रेसिपी से 300 से 325 ml के आसपास बन जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपको 40 रुपये से भी कम का पड़ेगा। तो ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। मिलता हूँ आपको जल्दी एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसको क्लिक करना। उसके बगल में एक घंटी आ जाएगी, उसको भी क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए, लेकिन मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।